श्रीखंड महादेव की यात्रा को विश्व की कठिनतम यात्राओं में शुमार किया जाता है। इस 37 किलोमीटर की विकट संकरी बर्फीले रास्तों को पार कर महादेव के दर्शन करने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। हड़कंपा देने वाली ठंड व सुई की तरह चुभने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं के बीच ईशानी नामक युवती ने नंगे पैर चलकर श्रीखंड महादेव के सकुशल दर्शन किए हैं। श्रीखंड महादेव की यात्रा को विश्व की कठिनतम यात्राओं में शुमार किया जाता है। इस 37 किलोमीटर के विकट संकरी व बर्फीले रास्तों को पार कर महादेव के दर्शन करने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। हड़कंपा देने वाली ठंड व सुई की तरह चुभने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं के बीच ईशानी नामक युवती ने नंगे पैर चलकर श्रीखंड महादेव के सकुशल दर्शन किए हैं। बीएससी की पढ़ाई पूरी कर चुकी 22 वर्षीय ईशानी 3 वर्षों से लगातार नंगे पैर यात्रा करती आ रही हैं, बल्कि बीते वर्ष तो वे पूरी रात बिना बिस्तर के ही पूरी रात 18,570 फीट की ऊंचाई पर श्रीखंड के चरणों में ध्यान में लीन रही। हालांकि वे लोगों को ऐसा न करने की हिदायत दे रही हैं। श्रीखंड की गोद में बसे बागीपुल की रहने वाली ईशानी का कहना है कि रात श्रीखंड में काटना मौत को दावत देना है, ऐसा न करें। लेकिन ईशानी मानती है कि शिव की कृपा से उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस बार बर्फ अधिक होने के कारण श्रीखंड यात्रा के आखिरी पड़ाव से आगे आना जाना करीब 8 किलोमीटर बर्फ में चलना पड़ा। उन्होंने बताया कि करीब 75 किलोमीटर श्रीखंड आना जाना पैदल है और उन्होंने नंगे पैर इस यात्रा को पूरी की है। उन्होंने बताया कि वे युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि नशे का सेवन न करें, तभी उनमें एनर्जी बनी रहेगी। ईशानी ने बताया कि इस बार श्रीखंड की उनकी तीसरी यात्रा थी। वे नंगे पैर जाना पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। हालांकि बर्फ में माइनस तापमान में नंगे पैर चलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि लोग श्रीखंड में रात बिताने की कभी न सोचें। ये अलग बात है कि बीते वर्ष उन्होंने वहाँ पर रात बिताई है, उन पर महादेव की कृपा थी।